नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 75वीं सालगिरह पे आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, मेरा एक ही सवाल आप लोगों से रहेगा कि क्या सच में हम आज़ाद हैं? आज कहने का मतलब ये है कि आप देखिए, लखनऊ में जो हुआ, जो लड़की ने उस कैब ड्राइवर को मारा, बेरहमी से मारा, इतने थप्पड़ मारे, लेकिन लोग जो आसपास थे वो चुप थे। तो वो भी बराबर के दोषी है मेरे हिसाब से जितनी लड़की दोषी है। तो क्या यही आज़ादी हमको मिली अभी तक? आप भी, मतलब मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ वो आपसे ही नहीं, मैं खुद से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ और अपने देश से भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या सच में हम आज़ाद हैं आज? दूसरा मैं पूछूंगा आपसे कि जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आते ही है, पूरा देश स्टेटस, स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब, हर जगह केवल 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए तिरंगा हर जगह डाल देता है, हर जगह शुभकामनाएं डाल देता है। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सच में इस झंडे का सम्मान होता है? जस्ट उसके अगले ही दिन आपको रास्ते में बहुत सारे कचरे में फेंके हुए आपको झंडे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाएंगे जो हो सकता है वो हमारे तिरंगे के खिलाफ हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई नहीं होती है। क्या यही दे हमारी आज़ादी है? क्या इसी को हम बोलते हैं आज़ादी? एक लड़की अगर जींस पहन के जाए या एक लड़की अगर शॉर्ट कपड़े पहन के जाए तो लोग उसके कैरेक्टर पे गलत जज करते हैं। क्या यही आज़ादी है? उसे कैरेक्टर के खिलाफ उंगली उठाते हैं, यही आज़ादी है? कसाब जो कि बहुत बड़ा गुनाहगार था, उसके खिलाफ इंस्टेंट एक्शन न लेते हुए उसके खिलाफ बड़ी बहुत लंबी कार्रवाई की गई, बाद में उसे फांसी दिया गया, क्या यही हमारा देश आज़ाद है? उसको तुरंत तो सजा नहीं दिया जा सकता था? क्या हमारे कानून व्यवस्था में इतनी कमी थी? शॉप बंद थे, शॉपिंग सेंटर्स बंद थे, जिम बंद थे, लेकिन फिर भी सरकार ने दारू की दुकान खोले और उस पर भीड़ लंबी खांसी लगी, यही आज़ादी है? मतलब जहर बेचने के लिए हम पूरी तरीके से लाइन में लग लग के जहर खरीदते हैं, दूध वाला क्या करता है, वो घर घर दूध पहुँचाता है, सोचिए यही आज़ादी है हमें? मतलब जहर और मतलब अमृत में यही अंतर है और यही आज़ादी है। इस कोरोना टाइम में पूरे मेडिकल इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, नर्सेज और जितने भी तमाम मेडिकल ऑफिसर्स हैं, खूब ये सब कमा के फर्जी फर्जी दवाइयाँ, फर्जी फर्जी ट्रीटमेंट कर करके इतना कमा के ये लोग करोड़पति हो गए हैं, लेकिन एक गरीब मर जाता है कोरोना से या किसी तरीके से मर जाता है, उसकी एक पूरी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की जाती, क्या यही आज़ादी है? इसी को हम बोलते हैं आज़ादी। हम कोरोना के चलते घर में बंद हैं, घर वालों से मिल नहीं पा रहे हैं, घर वालों से फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, इसी को आज़ादी बोलते हैं शायद। यही आपकी नज़र में और मेरी नज़र में ये भी आज़ादी ही है, ये एक तरह से आज़ादी है। पुलवामा अटैक में जो शहीद मारे गए उनको शहीद वाले लिस्ट में नाम नहीं दिया गया, क्या यही आज़ादी है? अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन फिर भी इतिहास में आप जाके देखेंगे तो इतिहास में उनका नाम नहीं मिलता, यही आज़ादी है? हमारे देश में जो भी प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, जो भी क्लास में शिक्षा दी जाती है, लेकिन उनमें उनका नाम नहीं मिलेगा आपको। कुछ ही चुनिंदा जो क्रांतिकारी है उन्हीं का नाम आपको मिलेगा, क्रांतिवीर है जो, यही आज़ादी है। और दूसरी सबसे बड़ी मेंटेलिटी ये है कि औरत है तो घर का काम करेगी, घर का नौकर रहेगी, और पुरुष है तो वो घर के बाहर जाके जो करेगा वो करेगा, काम करेगा, यही मेंटेलिटी है, यही इक्वलिटी है। मतलब औरत है वो घर का ही काम करने के लिए, घर के नौकर है क्या वो, घर के ही काम के लिए बनी है वो, यही समानता है, क्या यही आज़ादी है? इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अगर मैं ये वर्ड्स बोलता हूँ तो मैं भाजपा का एजेंट हूँ, ऐसा आप लोग बोलेंगे, यही आज़ादी है? मतलब खुल के बोलने का मौका भी नहीं मिलता। देश की सरहद में हमारे जवानों पे ईटा पत्थर मारा जाता है, उनके खिलाफ चीज़ें की जाती है, लेकिन फिर भी हम उस पर कोई नहीं एक्शन लेते, यही आज़ादी है हमारा? देश आज़ाद नहीं हुआ है, देश केवल एक रिटर्न ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आज़ाद हुआ है। तो अगर हमें आज़ादी पानी है तो सच्चे मन से हमें मेहनत करना पड़ेगा। एक आम आदमी को निकल के भी अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा, चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ेगा, चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, तभी जाके देश कहीं आज़ाद होगा। हमें अपने देश के प्रति श्रद्धा, भक्ति, शक्ति सब चीज़ निछावर कर देना है, क्योंकि इस देश के चलते हम हैं, ना कि हमारे चलते देश है। इस देश को हमारे जो सैनिक है वो चारों तरफ से इसका रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से अच्छा खराब करने वाले हम ही आप हैं। एक किसान होता है, वो दिन भर मेहनत करता है,
लेकिन फिर भी उसके कर्जे नहीं अदा हो पाते हैं, सरकार उनके कर्जा को ज़्यादा माफ़ भी नहीं कर पाती है, वो फांसी लगा देता है, यही आज़ादी है हमारी। लेकिन एक दूसरी तरफ हमारा अच्छा खासा करोड़पति आदमी यहाँ से पैसे लेके बाहर निकल जाता है, विदेश में निकल जाता है, उसको हम फिर भी पकड़ नहीं पाते, हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं कि उसको पकड़ पाए, यही आज़ादी है। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा देश अभी आज़ाद नहीं है, हमें आपको साथ आके मिल के इस देश को आज़ाद करना पड़ेगा। अगर आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं तो इस बात का आप या हम ठान के रखेंगे कि अगर आसपास कुछ भी गलती होती है तो उसको पकड़ेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे, तो ज़रूर हमारे और आपके चलने से ये देश आज़ाद होगा। किसी एक नेता या मंत्री या प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं कर सकता, देश के चलने से ही कुछ हो पाएगा। देश का प्रधानमंत्री केवल दिशा निर्देश सकता है। आज़ादी को दिल से सेलिब्रेट करना है, ना कि फेसबुक स्टेटस व्हाट्सएप स्टोरी से स्टेटस नहीं करना है, हमें दिल से सेलिब्रेट करना आज़ादी। और मैं वो दिन चाहता हूँ जिस दिन हमारा देश सच में आज़ाद हो, लोग यहाँ खुल के सांस ले सके, लड़का लड़की एक साथ इक्वल होकर रह सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब अच्छा हो, बस मैं यही चाहता हूँ। और अंत में मैं वीडियो इसी पे आगे ख़त्म करूँगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करें। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ फ़नी कंटेंट के साथ, लेकिन आज सोचा मैं कुछ अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में बनाऊँ, तो आज मैं ज़्यादा कुछ फ़नी तो नहीं किया, लेकिन ठीक है, मैं मेरे जितनी ओपिनियंस थे, जितनी मेरी शेयरिंग थी, मैं आपसे शेयर किया हूँ। उसमें कुछ भी गलत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। इस वीडियो को दबा के शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।